यहाँ तो जी मम्मन का जोर है जी, विधायक मम्मन खां है और कांग्रेस सरकार भी अब के उम्मीद है कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस आनी चाहिए, ये सरकार तो दंगा फसाद जाने तो बर्बाद कर दो एरिया, हरदम दंगा फसाद में लगी पड़ी और यहाँ कोई काम ना आए। तो भाजपा की सरकार ने 10 साल में कोई इस इलाके में विकास कराया? भाजपा ने कोई विकास ना करा, कांग्रेस भी रहेगी बीजेपी भी रहेगी, अभी तक तो कोई नया मिलो नहीं है। बात गुरुग्राम लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनमें फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। फिरोजपुर झिरका विधानसभा की बात करें तो हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस उम्मीदवार राजबब्बर को तकरीबन 1,00,000 वोट से अधिक की लीड मिली है। अगर हम बात करें यहाँ के मतदाताओं की, यहाँ से फिरोजपुर झिरका से फिलहाल अगर विधायक की बात करें तो कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर यहाँ से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं, कुछ महीने बाद विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। हमारे साथ फिरोजपुर झिरका के कुछ मतदाता हैं, मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसका जोर है। यहाँ तो जी मम्मन का जोर है जी, विधायक मम्मन खां हैं और कांग्रेस सरकार भी अब के उम्मीद है कांग्रेस सरकार आएगी कि अब तो अपोजिशन में रहा तो अगर पोजिशन में कुछ काम भी करेगा जी, वो अब अपोजिशन में रह के तो क्या काम कर सकता आदमी, और करे भी है उसने जी। कांग्रेस पार्टी को आप क्यों पसंद करते हैं और भाजपा से क्यों आपकी नाराजगी है? नाराजगी कुछ भी ना है जी, कांग्रेस पार्टी पहले भी काम करे हैं, जो पहले काम हुए हैं हुड्डा ने करवाए थे जी, उसके बाद तो बीजेपी ने इतने काम ही ना करवाए मेरे बात में, तो जी करवाए हैं उनने कुछ छोटा मोटा जो करवाए वो करवाए, कांग्रेस ने करवाए थे पहले जी। अगर हम बात करें तो आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है फिरोजपुर झिरका, सबसे बड़ा नेता आप किसको मानते हैं? तो जी मम्मन को मानते हैं, यहाँ हम तो मम्मन को ही वोट देंगे और मम्मन को ही माने। आपके हिसाब से कांग्रेस में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है या मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए कांग्रेस में? राहुल खान बने ना हुड्डा, मैं तो जी ना जानू इन हुड्डा कौन है, बहरहाल हम तो कांग्रेस की राजी है, कांग्रेस आनी चाहिए, ये सरकार तो दंगा फसाद जाने तो बर्बाद कर दो एरिया, हरदम दंगा फसाद में लगी पड़ी और यहाँ कोई काम ना आए। हम यहाँ परेशान नहीं कुछ ना, सांसद मदर है या सब इतना परेशान होगा जी, ना धंधा छोड़ो ना कुछ छोड़ो, यानी सब चौपट कर दियो जी, परेशान है हम तो भारी, हम तो सरकार को राजी ना। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए और कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे आप लोगों के होंगे? बिजली और पानी पे तो मुद्दा चलेंगे विवाद के, बाकी यो है कि कांग्रेस सरकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होना चाहिए और बीजेपी सरकार से खट्टर ही मुख्यमंत्री। क्या मुद्दे हैं लगातार मेवात, रेल की बात करें, कोटला झील की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें या 4-लेन सड़क की बात करें, लगातार ये मुद्दे यहाँ रहे हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी लोकसभा चुनाव में मुद्दा रहा है, यहाँ क्या मुद्दे इस बार होने जा रहे हैं? मुद्दे जी को 4-लेन रोड ही होना चाहिए हमारे यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा कमी है, जिस चीज़ की हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज 2-4 मौत तो रोज ही हो जावे, बच्चों के लिए शिक्षा यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पानी भी नहीं है, तो हमारे यही मुद्दे हैं जी, यही होने चाहिए। तो कांग्रेस सरकार आ जाए तो उम्मीद है कि हो जाए हुड्डा जी से, उम्मीद पे ही है जी अभी, तो फिर भी देखेंगे जी आगे। तो भाजपा की सरकार ने 10 साल में कोई इस इलाके में विकास कराया? भाजपा ने कोई विकास ना करो, एक रोड हमारे यही छोड़ रखा है, एक होटल वाड़ा ही के कुछ ना हो, तिजारा वाड़ा ये भी नहीं छोड़ रखा है, कोई विकास ना है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं, युवा आप हैं, क्या मुद्दे इस बार विधानसभा में रहेंगे? बेरोजगारी, यहाँ शिक्षा नहीं है, अब पढ़ेगा तभी तो बच्चा आगे जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं है, ना कोई बढ़िया स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं है, सबसे पीछे है हमारा इलाका, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार आ जाए कांग्रेस की, तो कुछ उससे उम्मीद है कि वो कुछ करा दे, इससे तो कोई उम्मीद। आपके हिसाब से पूरी विधानसभा में बड़ा नेता कौन है, कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, भाजपा अगर आती है तो उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? कांग्रेस में तो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही देखते हैं और भाजपा में मनोहर लाल खट्टर, इनके हिसाब बड़ा नेता कौन है? बड़ा नेता हमारे यहाँ तो हम तो विधायक मम्मन को ही जाते हैं।
और मतदाता हमारे साथ हैं, अगर हम बात करें तो आप किस पार्टी को पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? भाई वह पार्टी बढ़िया है जो विकास करे, कोई नहर नाली लावे, कोई राजस्थान को सही करवावे, या रोजगारी खत्म करवावे, या महंगाई खत्म करवावे, हम तो उस पार्टी को राजी है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी है? जो काम करे वह पार्टी अच्छी है। अब तक कुछ फैसला कर पाए कौन सी अच्छी है? कोई सी भी नहीं करा अब तक, कोई सा भी। कांग्रेस भी रहेगी, बीजेपी भी रहेगी, अभी तक तो कोई न्याय मिलो नहीं है मेवात। एक और मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, आप किसको पसंद करते हो और क्यों करते हो? मेवात में तो भाई कांग्रेस ही आ जाती, अच्छी बात है। और ये फोर लाइन कद को बना कह रहा कि बीजेपी ने अभी तक तो बनो ना है फोर लाइन। कितने हमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, साल में कितने आदमी मर रहे हैं, आज तक इसने फोर लाइन नहीं बनवाया। नौगामा गुड़गाम सोना से लेकर नौगामा तक ये फोर लाइन होना चाहिए, भर्ती इसकी मांग है कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस को आप क्यों पसंद करते हैं और बड़ा नेता आपके यहाँ कौन? बड़ा नेता हमारे यहाँ मम्मन है जी, मम्मन खान ही करते हैं हम तो पसंद। कांग्रेस के नेता मम्मन खान है हमारे, यही करेंगे हम पसंद रहे, इसको ही देंगे वोट मम्मन को। फिरोजपुर झिरका विधानसभा के मतदाताओं से जब विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर राय जानी तो कांग्रेस के लिए बेहद राहत वाली खबर यहां से निकल कर सामने आई। यहां इलाके के लोग विधायक मामन खान को बड़ा नेता मानते हैं और अगर मुख्यमंत्री की चेहरे की बात की जाए तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जनता पसंद कर रही है। कासिम खान, नूह मेवात।